लेटर्स को आगे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स। तो लेटर्स हम इसके अंदर मेनली कौन कौन से यूज करते हैं, आई एक्स एंड एल, इक्वल नंबर्स वाले नाम पे है जो नॉर्मल नंबर्स यूज करते हैं। आई सिंगल बार किसको नॉट करता है, वन। एक्स सिंगल बार किसको नॉट करता है, एल। एंड एल सिंगल बार किसको नॉट करता है, फिफ्टी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, रोमन न्यूमरल्स को स्टार्ट करेंगे। Plus
नंबर 2 24 ऐसे हम बाकी एग्जांपल्स के आगे सॉल्व कर सकते हैं कि हम कैसे इनको चेंज करें और कैसे इनको सॉल्व करें. इसके अंदर हमें इसको मैच करना है. अब ये क्या हमारा आई का सिंबल है, आई मीन्स को काउंट करता है हमारे 1 को, तो इसको किसी के साथ मैच करना है. नेक्स्ट हमारा क्या है 4, तो 4 को किसी के साथ मैच कर देंगे, इस 4 के साथ मैच कर देंगे. नेक्स्ट क्या है 3, तो हमारा 3 का सिंबल कौन सा है ये वाला, तो इसको 3 के साथ मैच कर देंगे. नेक्स्ट क्या है 10. अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फिलिंग द बैलेंस कि दोनों नंबर्स को दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और इन दोनों को बैलेंस कैसे करें. अब ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है 10 उसके जस्ट 1 आगे 4 है, मींस ये हमारा क्या है 9 प्लस अब एंड ये हमारा x का सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा था 10 और टाइम्स x है, मींस कितना हो गया 10 प्लस 10 20. अब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है. तो ये 9 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 20 है, क्या इसे हम ऐड करें कि इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारा 20. 9 के नंबर क्या ऐड करेंगे 11 और हम 11 को रोमन नंबर्स में कैसे ऐड करते हैं x एंड 1. तो दिस इज अ मेथड ऑफ हाउ कैन वी बैलेंस द रोमन न्यूमरल्स. नेक्स्ट क्या 25 को ऐसे लिखते हैं,
इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग में हमने क्या बोला है कि किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम से ज्यादा नहीं रिपीट